चैनल पे स्वागत है। मैंने कई सारे एयरफोन्स और नेक बैंड के मैंने फुल रिव्यू किए हैं। बहुत ही बढ़िया बढ़िया जो एयरफोन्स है जो कि कम प्राइस में है, तो मुझे कमेंट्स ऐसा आया था कि भाई आप एक ब्लूटूथ जो स्पीकर है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएं, और जो चीपेस्ट एयरबड्स है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि जो एयरबड्स है उसके आज चीपेस्ट में एयरबड्स बढ़िया मिलेगी या फिर हम लोग को महंगा लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने देखा कि क्या चीपेस्ट एयरबड्स कैसा होता है, तो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी। तो ये एक चीपेस्ट एयरबड है डेनियो का, इसका नाम और भी है आगे लेकिन थोड़ा हार्ड है, इस वजह से मैं नहीं ले रहा हूँ। पहली बात तो मैं इसका फुल रिव्यू कर रहा हूँ अभी आपके सामने कि भाई ये जो एयरबड्स है क्या आपको लेना चाहिए। 474 रुपीज़ का ये आता है, और उस प्राइस रेंज के हिसाब से क्या आपको ये लेना चाहिए, तो इसके मैं हर एक चीज़ आपको बताऊंगा कैसी है। तो इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको ये इसी वीडियो में पता चल जाएगा आपको लेना है नहीं लेना चाहिए, एक ही वीडियो में आपको पता चल जाएगा, ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। बिल्ड क्वालिटी लुक वाइज काफ़ी सही है, जितने भी मैंने आपको पहले बता दिया कि जो भी एयरबड्स आ रहे हैं ना, सभी के सभी बिल्ड क्वालिटी लुक वाइज वो अच्छे ही अभी के टाइम में हो रहे हैं। साउंड क्वालिटी के मामले में मुझे थोड़ा सा ये कम लगा है, एवरेज लगा है, क्योंकि साउंड जो है वो पूरी तरह से खुल के नहीं आता है। जैसे मतलब जैसा हम लोग देखते हैं कि ट्रेबल एकदम आता है, बेस और ट्रेबल, अगर आपको बेस मिल रहा है लेकिन आपको ट्रेबल नहीं मिल रहा तो भी आपको मज़ा नहीं आएगा सुनने में। आपको सराउंडिंग के साथ ट्रेबल के साथ आपको बेस तब आपको मज़ा आता, तो वो इसमें साउंड इसमें नहीं आपको देखने को मिलता है। तो साउंड क्वालिटी वाइज मैं बोलूँगा एवरेज है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर मैं इसकी कॉल कनेक्टिविटी की, तो कॉल कनेक्टिविटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला क्योंकि एयरबड्स है आप बराबर, लेकिन आपको थोड़ा सा एक बात ध्यान रखना पड़ेगा, कभी कभार क्या होगा कि आपका कॉल कभी कभी कट भी हो सकता है, मतलब कभी कभार आपका कॉल का आवाज़ कम जाएगा तो आपको इसको स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना पड़ेगा, ये एक सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है। कभी कभार हो सकता है, ऐसा बार बार नहीं होगा लेकिन कभी कभार होगा। अब बात करते हैं इसके बैटरी की, जो कि सबसे मेन हाईलाइट पॉइंट है यहाँ पर। एक दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है, यानी कि 450 रुपये में अगर आपको एक दिन का बैटरी बैकअप मिल रहा है, दैट इज़ गुड। अब इसकी बैटरी बैकअप आपको हैवी यूसेज में आप एक दिन तक चला सकते हो, लेकिन कॉल के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा बैटरी ये कंज्यूम करता है। अगर आप नॉर्मली म्यूज़िक सुन रहे हो तो उतना बैटरी नहीं खाएगा, लेकिन एक कॉल में थोड़ा बैटरी थोड़ा जल्दी खाता है। तो अगर आप कॉल अगर आप कर रहे हो किसी से भी और अगर आपका फुल चार्ज है तो मानो कि आपका आधा दिन में आपका ये ख़त्म हो सकता है, अगर आप ज़्यादा कॉल पर रहते हो तो ये एक मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों है, क्योंकि म्यूज़िक्स में तो वैसे भी म्यूज़िक और कॉल तो एक ही होता है, ऐसा कोई इतना फ़र्क रहता है, लेकिन कॉल में इसका बैटरी जल्दी रेडी हो जाता है। एक दिन का वैसे बैटरी बैकअप देखा अगर आप नॉर्मल यूट्यूब वगैरह देख रहे हो, लेकिन कॉल पर जब आप अटेंड करोगे तो आपको आधा दिन का आपको बैटरी बैकअप को मिल जाएगा। तो इतना चार्ज करने में इसे लगते हैं 1 घंटे, 45 मिनट्स लिखा, लेकिन इसे 1 घंटा लगता है 0 से पूरा का पूरा 100% चार्ज होने के लिए। तो क्या आपको ये प्रोडक्ट इस प्राइस रेंज पे आपको लेना चाहिए, मेरी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं इसकी देखा कि जिसकी जो बैटरी है जो 24 आवर्स, तो चलो एक दिन तो उसका दे जाता है, लेकिन उसके बाद भी जो कॉल में ऐसा कम हो रहा, क्योंकि कॉल भी बहुत सारे लोगों का ज़रूरत होता, तो मैं एक्चुअली और भी देखूंगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा लेने लायक है, ऐसा कोई आपका पैसे का नुकसान नहीं होगा, बढ़िया है प्रोडक्ट, आप इसे ले सकते हो, तो मैं ऐसा कोई मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये आपके ऊपर है, आप अगर आप लेना चाहते हो ये आपका डिसीजन होगा। बाकी मुझे प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बिल्कुल भी लेने लायक नहीं है। अगर आप इसे ले रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपका पैसा वेस्ट जा रहा है।